तो फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है पाइप फिटर ट्रेनिंग का ऊपर, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए पाइप जो है डैमेज हो चुका है, तो उसको चेंज कैसे करना है, उसी का जो भी प्रोसेस है उसको कैसे करना है, उसका जो भी तरीका है करने का वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है पुराने फिटर हो तो आप जो है इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, क्योंकि इसे देखने से आपका जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और नए पाइप फिटर जो भी हैं, जिनको जो है जो है काम सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है इसको किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि लाइन जो है बंद है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ये गलती कर देते हैं कि लाइन चालू ही रहता और उसको जो है काम स्टार्ट कर देते। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लाइन बंद होना चाहिए, ठीक है। इसका जो भी वाल रहेगा तो वाल को आपको जो है बंद कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखना है कि मान लीजिए कटिंग करने से पहले कि इसमें जो सपोर्ट लगा हुआ है वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं कि पाइप कटिंग होने के बाद सपोर्ट भी गिर गया, पाइप भी गिर गया, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि हमारा जो पाइप है वो बराबर सपोर्ट पे है या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको ये भी यहाँ पे देख लेना है कि मान लीजिए पाइप कटिंग करेंगे तो इसको लगाने के लिए हमारे पास जुगाड़ है या नहीं, मतलब इसे कैसे हम लिफ्ट करेंगे। अब मान लीजिए जहाँ पे हुक नहीं है ऊपर में तो वहां क्या करना है, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे मान लीजिए हुक नहीं है, ठीक है, ऊपर में सीलिंग में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो इस तरीके का आपको जो है एक स्टैंड बना लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये चैनल का हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। और इसी में आपको क्या करना है, एक हुक लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एक हुक लगा के जो है इसको इस तरीके से ऐसे पाइप में घुसा के देखिए आप जो है इस तरीके से पाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नए लोगों को जो है इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अगर ऊपर में हुक लगाने का जगह है तब तो ठीक है, और अगर हुक लगाने का जगह नहीं है तो आप जो है इस तरीके का यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो है मार्किंग कैसे करना है, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से मार्किंग का जो पट्टी आता है वो आपको लेना है, और बिल्कुल इसको जो है ऐसे लगा लेना है इस तरीके से, और ऐसा इसको राउंड मार्किंग कर देना है, ठीक है। सेम इधर भी आपको ऐसे मार्किंग कर देना है। तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ पे पाइप जो है कटिंग कर देता हूँ। तो पाइप कटिंग करने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि पाइप कटिंग होने के बाद गिर सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर इसे हम कटिंग करेंगे तो ये जो है गिर जाएगा नीचे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके का सपोर्ट ताकि ये कटने के बाद गिरे नहीं। और सेम एक सपोर्ट इधर भी लगा देते हैं ताकि पाइप कटिंग होने के बाद गिरे ना नीचे, ओके। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है पाइप कटिंग कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका आपको फेस चेक कर लेना है कि ये 90 डिग्री में है या नहीं। ऐसे आपको राइट एंगल लेना है और ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो देख लेना है आपको कि ये बराबर है या नहीं। इस तरीके से आपको जो है ऊपर से भी ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है, कि ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आपको इसे बराबर कर लेना है, ठीक है, कटिंग करके, और इसमें आपको ग्राइंडिंग जो है कर देना है, ठीक है, और इसका बेवल बना देना है आपको। और सेम इधर भी ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखिए बराबर है बिल्कुल हमारा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसका मेजरमेंट कितना रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो कितना इसका लेंथ आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 127 mm, ठीक है। तो ये ऊपर का हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ये पाइप हो गया हमारा, ये हमारा पाइप हो गया ऐसे गोल, ठीक है। ऊपर का हमारा मेजरमेंट कितना है, 127 mm, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे का भी आपको चेक कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो नीचे का भी लगभग 127 ही है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है साइड का भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये 125 लगभग है। तो यही आपको जो है देखना है कि बराबर है या नहीं, ठीक है। तो चारों आपका सेम होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है चारों, तो आपको सबसे पहले इसे जो है बराबर कर लेना होगा, और बराबर कर लेने के बाद उसके बाद जो है 127 का आपको यहाँ पे एक पीस डाल देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 127 तो हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तो हमें पाइप कितना का रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये एक पाइप हो गया, ठीक है।
तो उसको जब आप गैस कटिंग से कटिंग करोगे तो लगभग 3 mm आपका माइनस हो जाएगा, 2 से 3 mm, ठीक है। मतलब कि 127 का आपका जो है पाइप चाहिए यहां से यहां तक, ठीक है। तो 127 का अगर आप मार के कटिंग करोगे तो लगभग ये 2 से 3 mm इधर माइनस हो जाएगा, इधर 3 mm और इधर 3 mm माइनस हो गया, तो कितना बच गया, मतलब 127 में 6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 121 mm रह गया, ठीक है। अभी पाइप का लेंथ 121 mm। अब इसमें आप ग्राइंडिंग करोगे, ठीक है, इसका फेस 90 में है या नहीं वो चेक करोगे, तो करते करते लगभग ये जो है आपका 110 mm तक आ जाएगा, 110 से 115 mm तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो यहाँ पे चाहिए आपको 127 का और यहाँ पे हो जा रहा है आपका 115 का, फिर तो जो है दोनों साइड गैप आ जाएगा, ठीक है। तो कितना गैप आ रहा है, तो गैप आ रहा है लगभग 10 mm का, मतलब 127 और पाइप का लेंथ हो गया और आ रहा है 115, तो लगभग 10 mm का गैप आ गया हमारा, ठीक है। हमें इसमें गैप भी देना है ना, यहां से यहां का जो जॉइंट है उसमें हमें गैप भी देना है लगभग 3-3 mm का, तो 6 mm हमारा गैप रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 127 का आपको जो है इसमें पीस डालना है तो कम से कम आप जो है इसमें 10 mm प्लस कर सकते हो। जैसे 127 है तो आप जो है 137 रख सकते हो या फिर 140 जो है आप का जो पाइप है वो आप कटिंग कर सकते हो। अगर आप ज्यादा रखते हो तो और भी अच्छा है, बाद में आप जो है उसको ग्राइंडिंग से भी उसको माइनस कर सकते हो, लेकिन छोटा कभी भी ना रखें। अब 127 का पीस चाहिए तो 125 ना रखें, प्लस ही रखें, लगभग 140 तक आप रखोगे तो आपका जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका फिटिंग कैसे करना है। तो पाइप में हमने जो 127 का इसमें जो है हमने पॉइंट मार दिया है, अब इसे क्या करना है आपको पट्टी से ऐसे इसको राउंड मार देना है ऐसे। मैंने यहाँ पे 127 इसलिए मारा है क्योंकि इसमें हमारा माइनस होने वाला नहीं है, ठीक है। जब पाइप में मारोगे तो 127 है तो कम से कम 10 mm आपको प्लस करके ही मारना है, ठीक है। लगभग 140 तक आप मार सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, अगर बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो है आप ग्राइंडिंग से भी छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर छोटा हो गया तो फिर मुश्किल जो है बढ़ जाएगी, ओके। तो कटिंग होने के बाद सेम आपको जो इसे भी चेक कर लेना है कि 90 डिग्री में है या नहीं इसका फेस, ठीक है। अगर 90 डिग्री में नहीं है तो आपको इसे पहले 90 डिग्री में पूरा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको फिटिंग करके देखते हैं। तो फिटिंग कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताता हूँ। तो फिटिंग करने के लिए इसमें जो है आप इस तरीके का एंगल क्लिट मार सकते हैं, दो दो। तो फ्रेंड देखिए हमने जो है इसमें इस तरीके का क्लिट लगा दिया, ठीक है, एंगल का। आप इसके जगह पे प्लेट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है दो दो, टोटल 4 हमने यहाँ पे एंगल क्लिट लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे इसे उठा के चेन पुल्ली की मदद से या फिर जो भी क्रेन वगैरह है उसे उठा के और यहाँ पे ऐसे इसको रख देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पे बराबर मैच हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पाइप का फिटिंग करना है। तो ये पहला वीडियो था, नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम जो है आपको और भी चीज बताएंगे, जैसे मेजरमेंट कैसे लेना है, फील्ड मेजरमेंट, ठीक है। फील्ड मेजरमेंट में तो ये भी हो गया कि मतलब यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ कितना पाइप लगेगा उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे बेंड कैसे फिटिंग करना है, फ्लांज कैसे लगाना है पाइप को, रोलिंग में कैसे फिटिंग करना है, ऑफसेट में कैसे जो है फिटिंग करना है, सभी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमसे जो है जुड़े रहिएगा, उसके लिए चैनल को जब से सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमें जो है फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में जाके सर्च कर सकते हैं फिटर की पूरी जानकारी। और फ्रेंड्स अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, फिटर की पूरी जानकारी, उसमें भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।